अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आसिफ जलाल। आप देख रहे हैं आसिफ जलाल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन 1 में दो ईजीस्ट मेथड में आपको बताने जा रहा हूँ ग्रामर और इन्वर्जन के हवाले से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसलिए आपको ये क्वेश्चन दोबारा से करवाने जा रहा हूँ, और इस दफ़ा मैं आपको थोड़ा सा तरीक़ेकार चेंज करवाने लगा हूँ, मीन्स कि हम थोड़ा सा इसको ईजी करने लगे हैं। तो इसलिए आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ईजीस्ट वे में आपको ग्रामर और इन्वर्जन मेथड करवाने जा रहा हूँ। सो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं इन्वर्जन मेथड को। इन्वर्जन मेथड को अप्लाई करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो होता है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब यहाँ पे आप देख लें तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास क्या कुछ गिवन है। तो हमारे पास जो ए है वो है 2 -2 3 और 2, 2 -2 3 और 2, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है ए। और आपके पास जो कैपिटल एक्स है वो आपके पास क्या होता है, वो हम कहते हैं ये जो वैल्यूज़ हैं वेरिएबल्स, पहला वेरिएबल ऊपर लिख देते हैं और दूसरा नीचे। इसके बाद ये बी होता है जो कि इक्वल टू के बाद जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम यहाँ पे लिख देते हैं। सो ये तो वही पुरानी वाली बातें होंगी। अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो इन्वर्जन का मेथड मैं अप्लाई करूँगा उसमें मैं क्या चेंजेस करूँगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। वो ये टेक्निक ये है कि देखें ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है, ए इन्वर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसके साथ देखें ये बी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसी को यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और यहाँ पे बी लिख देंगे, ठीक है। इससे ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। वो कैसे, जब आप डिटर्मिनेंट को अप्लाई कर देते हैं एडजॉइंट ए के अंदर तो फ्रिक्शन बन जाती है, मींस वैल्यूज़ जो हैं वो बाय में आ जाती हैं, समथिंग लाइक दिस। तो उसके साथ आपको जब कोई नंबर ऐड करना पड़ता है तो आपको एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम लेने में हर बच्चा गलती कर जाता है, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं जो नहीं करते हैं, अगर आप हैं तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। सो इस एलसीएम से बचने के लिए, इस बटा वाली रकमों, इस फ्रिक्शन से बचने के लिए हम ये नया तरीका मैंने एक्सप्लोर किया है, क्योंकि इसमें हमें ये काम नहीं करना पड़ेगा। क्यों, ये मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगा। सो एडजॉइंट ए लेंगे, उसको हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, फिर जो इसका आंसर आएगा उसको हम एंड पे जाकर डिटर्मिनेंट को उनकी हर एंट्रीज़ के नीचे इसको डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू को। सो सबसे पहले तो हमें इन क्वेश्चन में एक चीज़ चेक करनी होती है कि क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर मैट्रिसेस जो होते हैं वो अगर डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो सिंगुलर होता है, और अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आए तो फिर हम कहते हैं कि ये नॉन सिंगुलर है, मीन्स नॉन नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नॉन नॉट और इक्वल टू ज़ीरो सिंगुलर है। इस तरह आप इसको याद रख लें। सो सबसे पहले तो हम इसका डिटर्मिनेंट लेके चेक करते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लें तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से, और बीच में एक साइन आना है फार्मूले का, 2 2 = 4 माइनस फार्मूले का, इसको मैं रेड कलर में लिखूँगा ताकि आपको याद रहे। तो उसके बाद 3 2 = 6,
अब 3 और 2 आर 6, इसके साथ भी माइनस है तो ये आएगा माइनस 6। तो ये जो है माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और आपका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो है 10। अब देख सकते हैं ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है ना, 10 ज़ीरो तो नहीं है ना, तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है इसका मतलब है ये नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। सो अब हम इसी फार्मूले के अंदर सारे अपनी वैल्यूज लगाएंगे। कैसे, देखें पहले एडजॉइंट ए है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडजॉइंट ए लेके रखेंगे। तो एडजॉइंट में क्या होता है, जो डायगोनल एरिया होता है उसके साइन तब्दील होते हैं और जो नॉन डायगोनल एरिया होता है उसकी जगह तब्दील हो जाती है। तो जो इसका इन एडजॉइंट आएगा वो क्या आएगा, 2 और डायगोनल एरिया की जगह तब्दील और नॉन डायगोनल एरिया के साइन चेंज। सो इसके हम साइन को 3 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस था तो हमने माइनस कर दिया, 2 के साथ माइनस था इसको प्लस कर दिया, तो ये एडजॉइंट आ गया। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय और साथ में ये यहाँ पे बी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम बी को इस तरह से लिख लेंगे। अच्छा, अब आप जब मैट्रिसेस लिख रहे हो उस वक्त आप अगर साइन ना लगाएं मल्टीप्लाई का तो बेहतर होगा, या आपने सिर्फ इधर लगाना है। इधर लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने ए बी का एडजॉइंट नहीं लेना, आपने ए का एडजॉइंट लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, इसलिए ये मल्टीप्लाई का साइन लगाना ज़रूरी था। इधर नहीं लगाना क्योंकि इधर जब साइन नहीं होगा तो तब ये मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो ना लगाएं ज़्यादा बेहतर होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो इसी तरह से नीचे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है, देखें रो को कॉलम से करना है, रो की पहली एंट्री कॉलम की पहली एंट्री, रो की दूसरी एंट्री कॉलम की दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई होगी और बीच में प्लस, तो 2 2 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 8 बीच में आएगा प्लस, फिर ये दूसरी एंट्री इस नीचे कॉलम की दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, 2 6 12, और फिर इस नीचे वाली रो को आप दूसरे का इसी कॉलम से करना है, तो -3 को 4 से करेंगे तो -12, फिर हम 2 को 6 से करेंगे तो आपके पास आएगा 12। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो गए, डिवाइडेड बाय 10 इसी तरह रहेगा। पहले जो मैंने मेथड कराया था उसमें हम एडजॉइंट और हम इनवर्स जो है अलग से लेते थे और फिर हम उसको बी से मल्टीप्लाई करते थे, जो कि बहुत मुश्किल मेथड है, उसमें आपकी फ्रिक्शन बनती है बहुत ज़्यादा, तो इसमें आप काफ़ी हद तक बच जाते हैं। सो 8 में 12 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 20, और 12 में से जब 12 निकालेंगे तो आपका आएगा 0, डिवाइडेड बाय 10 उसी तरह रहेगा। इस डिवाइडेड बाय 10 वाली जो बात है इसको हम अब अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये पूरे मैट्रिक्स के नीचे डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये 10 20 के नीचे भी डिवाइड होना है और 0 के नीचे भी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 10 1s are 10, 10 2s are 20 और ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आपके पास जो आएगा वो 2 और 0, 0 के नीचे कोई भी नंबर डिवाइड हो तो वो 0 हो जाता है। याद रहे कि ये हमारा कैपिटल एक्स इक्वल आ रहा है, ये देखे कैपिटल एक्स इक्वल आ रहा था इसके, तो ए इनवर्स एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए और मल्टीप्लाई बाय बी था। तो ये कैपिटल एक्स क्या चीज़ है, कैपिटल एक्स क्या चीज़ है, एक्स और वाई। सो आपका जो एक्स की जगह आप कैपिटल एक्स की जगह आप अगर ये लिखें एक्स और वाई, तो आपका जो ये इक्वल आएगा
ये इक्वल जो आएगा वो आएगा 2 और 0 के। हमने एक्स मैट्रिक्स की, एक्स की जो मैट्रिक्स है वो लिखा है और ये आया इक्वल इसके। अब पहली एंट्री पहली के इक्वल, दूसरी दूसरी के इक्वल, मींस यहाँ से हमें क्या मिला कि स्मॉल एक्स जो है वो 2, उसकी वैल्यू 2 है, और जो वाई है स्मॉल इसकी वैल्यू 0 है। सो ये था इनवेरियन मेथड की थोड़ी सी इजी ट्रिक थी जो कि मैंने आपकी तरफ पहुँचानी थी। इससे आप काफ़ी हद तक क्वेश्चन आसान आपके लिए हो जाएगा अगर आप एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई कर दें और पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हर इसकी एंट्री के नीचे डिवाइड करें, तो फिर आपके लिए ये इजी हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपके लिए आसानी पैदा हुई होगी। अगर हुई है तो आप इस वीडियो को आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। अब हम देखते हैं क्रैमर रूल। क्रैमर रूल को हम किस तरह से आसान बना सकते हैं। सो सेम क्वेश्चन पे हम इनवेरियन मेथड जो लगाया था, इसी क्वेश्चन पे अब हम क्रैमर रूल लगाएंगे। तो क्रैमर रूल में क्या होता है कि जो ए एक्स और ए वाई बनाना होता है वो सबसे मुश्किल लगता है बच्चों को, और इसके अलावा इसका फार्मूला याद करना बहुत मुश्किल लगता है। इन्वर्जन में क्या होता है, कैपिटल एक्स होता है, और क्रैमर रूल में क्या होता है, क्रैमर रूल में स्मॉल एक्स इक्वल होता है और स्मॉल वाई इक्वल होता है। स्मॉल एक्स किसके इक्वल होता है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। इसी तरह जो स्मॉल वाई होता है वो इक्वल होता है स्मॉल ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ए एक्स कैसे बनेगा और ए वाई कैसे बनेगा। यहीं पे तो मेरा काम था, इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको ये बताना कि ए एक्स और ए वाई कैसे बनते हैं। बाकी क्रैमर रूल तो आपको आता ही होगा, आपको मसला यहीं पे आता है कि ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज आप कैसे निकालें। यहीं पे आके कई बच्चे गलती कर देते हैं। सो इसको मैं आपको अब इजी बनाने की कोशिश करूँगा। तो अब सबसे पहले तो हम ए का डिटर्मिनेंट लेकर इस क्वेश्चन को ये चेक करते हैं कि इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जब इन्वर्स जो डिटर्मिनेंट जो होता है वो नीचे डिवाइड हो रहा है, जब ये ज़ीरो होगा तो आपका पूरा क्वेश्चन इन्फिनिटी वैल्यू देगा। आप कैलकुलेटर पे कोई नंबर लिखें, 4 फर्ज कर लें, 4 डिवाइडेड बाय 0 करें, आपको मैथ एरर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि डिवीजन बाय 0 मैथ में अलाउ नहीं होती है। इसलिए इन्वर्जन में और क्रैमर रूल में हम ये लाजमी चेक करते हैं कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है मीन्स इक्वल टू 0 आ रहा है आंसर, तो हम इसका इन्वर्स जो है इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है तो हम बता देते हैं। सेम इसमें भी वही बात है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लेते हैं, क्या आएगा, वही आएगा जो आपके पास पिछले पार्ट में आ चुका है, तो मैं इधर उसको यूज़ करने लगा हूँ। अगर आपको इसमें इशू है तो आप फिर से वो शुरू में जाकर देख लें, मैंने उसमें इसका डिटर्मिनेंट निकाला हुआ है क्योंकि क्वेश्चन सेम है। सो अब हम देखते हैं कि ये ए एक्स क्या बला है, इस ए एक्स को हमने कैसे निकालना है, ये कहाँ से आएगा। तो ए एक्स निकालने के लिए आप एक्स वाली जगह पे जो इक्वल टू के इस तरफ वाली वैल्यू है वो यहाँ लगा देनी है। तो अगर मैं इसको लिख दूँ मैट्रिसेस की फॉर्म में तो आपको समझाने में आसानी हो सकती है। तो हमने ए एक्स निकालना है, ए एक्स निकालते हुए हम जो भी वाला मैट्रिक्स होता है इसकी वैल्यू को हम ए के फर्स्ट कॉलम की जगह पे लगा देते हैं। एक तरीक़ेकार इसको समझने का ये है। दूसरा ये है कि आप ऐसे याद रख लें कि
एक्स वाला ए एक्स में जो एक्स वाली वैल्यूज़ हैं वो नहीं आएंगी। मैट्रिसेस ए कई है, सिर्फ ए एक्स में क्या है कि जो एक्स वाली वैल्यूज़ हैं टू और थ्री जो हैं वो देखें कहाँ पे हैं, शुरू में लिखिए, ये नहीं आएंगी। इनकी जगह क्या आएगा, बी वाला मैट्रिक्स मींस इक्वल टू के बाहर जो वैल्यूज़ है ये वाली वैल्यूज़ इनकी जगह पे आ जाएंगी। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, ए एक्स टू और थ्री की जगह पे आप फोर और सिक्स आ जाएगा। तो ये कैसे याद रखना है, ए एक्स की जगह पे एक्स वाली वैल्यूज़ नहीं आएंगी, एक्स वाली वैल्यूज़ नहीं आएंगी, उसकी जगह पे इक्वल टू के बाहर जो वैल्यूज़ हैं वो लग जाएंगी। ठीक है, इस तरह आपको याद रहेगा ना। तो जो दूसरी वैल्यूज़ हैं उनको आपने एज इट इज़ लिख देना है, माइनस टू टू है, ये एक ही मैट्रिक्स। ठीक है, ये कोई नया खलाई मखलूक नहीं है, ये वही चीज़ है। इसी तरह ए वाई कहाँ से आएगा, अभी हम डिटर्मिनेंट नहीं निकाल रहे हैं, हम जस्ट ये निकाल रहे हैं कि ए एक्स क्या होगा और ए वाई क्या होगा, इसलिए मैं यहाँ से बार्स जो है वो हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखें ए वाई क्या होगा, ए वाई में जो वाई वाली वैल्यूज़ हैं, ए वाई में जो वाई वाली वैल्यूज़ हैं ये नहीं आएंगी, इनकी जगह क्या आएगा, ये बी वाला जो भी है फोर और सिक्स वो इन दो की जगह पे आ जाएंगी। मींस ए एक्स निकालते हुए एक्स वाली वैल्यूज़ की जगह पे इक्वल टू के बाहर वाली वैल्यूज़ डालनी होंगी, और ए वाई निकालने के लिए जो वाई वाली वैल्यूज़ होंगी उनकी जगह पे हम बी वाले वैल्यूज़ लगा देंगे। ठीक है, तो अब जो दूसरी वैल्यूज़ हैं जिनको ए एक्स में हमने हटा दिया था वो तो आएंगी ना, एक्स वाली वैल्यूज़ थी ना वो आएंगी, ए वाई निकालते हुए जो वाई वाली वैल्यूज़ हैं उनकी जगह पे ये इक्वल टू के बाहर वाली वैल्यूज़ आ जाएगी। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, बाकी इसका प्रोसेस सारा वही है, आपने जस्ट उसी फार्मूले में इनके डिटर्मिनेंट्स लगा देने। तो चलें सबसे पहले हम ए एक्स की वैल्यू निकालते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हुए अब देखें ए एक्स का डिटर्मिनेंट होता है यहाँ पे ए एक्स का डिटर्मिनेंट होता है और डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, फोर टू ज़र एट, अब एक माइनस आना है फॉर्मूले का, और आगे देखें तो सिक्स टू ज़र 12, इसके साथ अब 2 के साथ माइनस था तो ये माइनस 12 आया, डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट 10 है। सो ये आपका हो जाएगा 8, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई जा पाओगे तो ये प्लस हो जाएंगे, तो इसके बाद नीचे आ गया 10, और फिर आप इसको अगर ऐड करें तो ये बनता है 20 बाय 10, और फिर जब आप इसको काट दें 10 वन ज़ार 10 10 टू ज़ार 20, तो आपका क्या आ गया, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। देखें ये एक्स ही जा रहा था तो एक्स की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आपने वाई की वैल्यू को निकाल लेना है, तो वाई की वैल्यू कैसे आएगी, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, सेम उसी तरह 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12, 3 को 4 से करेंगे ये भी आएगा 12, तो अब ना 3 के साथ माइनस था ना 4 के साथ था, तो इधर बीच में सिर्फ एक ही माइनस आएगा जो कि फार्मूले का होगा। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट जो कि था 10, तो यहाँ से हमने देखें तो 12 माइनस 12 0, अब 0 ऊपर आया, ऊपर आ जाए तो फिर कोई इशू नहीं है, 0 के नीचे कोई भी नंबर डिवाइड करें तो वो 0 हो जाता है। सो ये y की भी वैल्यू आ गई,
उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपके लिए ये क्वेश्चन आसान हो गए होंगे। ये मेरे लिए अहम था क्योंकि इस वीडियो का मेन मकसद ये था कि आपको क्रैमर और एनवरियन के जो मेथड्स हैं इनको आसान तरीके से समझाया जाए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ आसिफ जलाल को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी किसी नए क्वेश्चन को आसान बनाने की ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आसिफ जलाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।